दोस्तों, फिल्मी दुनिया में अपने लिए जगह बनाना कोई आसान काम नहीं है। मुंबई में हर रोज ना जाने कितने लोग फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। किसी को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलता है तो कई संघर्ष में ही ऐसे ही जिंदगी निकाल देते हैं। बॉलीवुड में हमें ऐसे कितने किस्से मिलते हैं जिसमें एक आदमी ओवरनाइट सक्सेस पाते ही एक सेलिब्रिटी बन जाता है। लेकिन उन सब में से कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको एक दो फिल्म तो मिल जाती है लेकिन उसके बाद उनके कैरियर पर फुल स्टॉप लग जाता है और वो मजबूर हो जाते हैं एक गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जिनका फिल्मी कैरियर अर्श से फर्श पर आ गया। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। हमारी लिस्ट में पहला नाम है परवीन बाबी का। बॉलीवुड में 70 के दशक का वो दौर था जब इंडस्ट्री में हेमा मालिनी, जीनत अमान, डिंपल कपाड़िया और रेखा जैसी एक्ट्रेसेस का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था। लेकिन उसी समय हवा के एक ताजे झोंके की तरह बॉलीवुड में एक और एक्ट्रेस ने कदम रखा। पर्दे पर अपनी बेपनाह खूबसूरती, बोल्डनेस और बिंदास अंदाज से लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा परवीन बाबी का जादू। परवीन की जिंदगी हमेशा विवादों से ही घिरी रही। कभी अपने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर वह सुर्खियों में रही तो कभी शादीशुदा शख्स के साथ मोहब्बत करके। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि आप जितनी ऊंचाइयों पर होते हैं उतने ही अकेले भी होते हैं। परवीन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ज्यादा लाइमलाइट और सक्सेस ही परवीन की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर वह डिप्रेशन की शिकार हो गई। परवीन को अपने इलाज के लिए विदेश भी जाना पड़ा लेकिन फिर भी वह अपनी बीमारी से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई। डिप्रेशन के कारण उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। 20 जनवरी 2005 में मुंबई स्थित उनके फ्लैट के बाहर जब 3 दिनों तक दूध और अखबार वैसे ही पड़े रहे तब उनके पड़ोसियों को शक हुआ। लेकिन तब तक उनके कमरे से बदबू भी आनी शुरू हो गई थी जिसके बाद उनकी सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को बुलाया। लोगों ने दरवाजे को खुलवाया तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि करोड़ों दिलों में राज करने वाली और पर्दे पर धूम मचाने वाली बोल्ड गर्ल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दुर्भाग्य से 2 दिनों तक उनके शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। फिर बाद में महेश भट्ट ने उनका अंतिम संस्कार किया। ममता कुलकर्णी 90 के दशक के टॉप एक्टर्स के साथ काम कर चुकी ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से लेकर ड्रग तस्करी तक में जुड़ चुका है। कभी टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार ममता आज गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। 2016 में थाने पुलिस ने ममता कुलकर्णी को ऐसे अभियुक्त के रूप में नामित किया जो ड्रग तस्करी करने में शामिल थी। ममता कुलकर्णी पर आरोप लगा कि वह अपने प्रेमी विकी गोस्वामी के साथ मिलकर ड्रग रैकेट चला रही थी। थाने पुलिस ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ वारंट भी जारी किया जिसके बाद वह केनिया भाग गई। ममता कुलकर्णी ने केनिया से एक वीडियो भेजकर ये कहा था कि वह किसी ड्रग तस्करी में शामिल नहीं है और अब वह बॉलीवुड से दूर एक सादगी की जिंदगी जी रही है। मंदाकिनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से अपना फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली मंदाकिनी को लोगों ने खूब पसंद किया और ये काफी मशहूर भी हुई। अपने 6 साल के करियर में मंदाकिनी ने 40 से भी ज्यादा फिल्में की। फिर साल 1994 में मंदाकिनी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को एक साथ क्रिकेट मैच के दौरान देखा गया जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो मीडिया में वायरल हुई। मंदाकिनी का दाऊद के साथ नजर आना ही उनके करियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल साबित हुआ। इसके बाद पुलिस ने मंदाकिनी से मिलना चाहा पर वह इंडिया वापस नहीं आई और कुछ टाइम तक दुबई में ही रही। न्यूज में बताया जा रहा था कि दाऊद और मंदाकिनी का अफेयर चल रहा है पर मंदाकिनी ने माना कि उन दिनों बॉलीवुड का दौर ही ऐसा था कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते थे। मंदाकिनी इसके बाद जब इंडिया वापस आई तब उन्होंने दोबारा फिल्मों में आने की कोशिश की पर उनकी रेपुटेशन इंडस्ट्री में वैसी नहीं रही थी और सबने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। मंदाकिनी अब मुंबई में ही रहती हैं। मंदाकिनी और उनके पति मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं जहां वो तिब्बती योगा सिखाती हैं। शक्ति कपूर शक्ति कपूर बॉलीवुड का जाना माना चेहरा है। एक समय में शक्ति कपूर को अपनी फिल्म में लेने के लिए निर्माताओं की होड़ लगी रहती थी। उनका विलेन और कॉमेडी स्टाइल लोगों को खूब पसंद भी आता था लेकिन 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन ने शक्ति कपूर के करियर को शिखर से फर्श पर पहुंचा दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर को कास्टिंग काउच करते हुए पाया गया। आप भी देखिए इस स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर ने कई फेमस फिल्म एक्ट्रेसेस जैसे प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय के एग्जाम्पल देकर कहा कि ये तीनों भी कास्टिंग काउच की वजह से ही आज इतनी बड़ी हीरोइन बनी है। इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद शक्ति कपूर के साथ कोई भी काम करने को तैयार नहीं था और धीरे धीरे उनका फिल्मी करियर भी खत्म हो गया।
शाइनी आहूजा, जिन्होंने 2003 में हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म के साथ फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड जीता, और इसके बाद उन्होंने गैंगस्टर, लाइफ इन ए मेट्रो और भूल भुलैया जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया। लेकिन शाइनी के शाइनिंग कैरियर पर ग्रहण तब लगा जब सन 2009 में उनकी मेड ने ही उन पर रेप का आरोप लगाया। जैसे ही ये न्यूज मीडिया में वायरल हुई, शाइनी का स्टारडम बिल्कुल ही खत्म हो गया। हालांकि शाइनी इस बात से लगातार इनकार करते रहे, लेकिन डीएनए टेस्ट से रेप की बात साबित हो गई। इसके बाद उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। रेप केस में शाइनी आहूजा को 7 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि 2011 में वो तब रिहा हो गए जब मेड ने केस वापस ले लिया। उन्होंने कमबैक करने की कई कोशिशें की, पर कोई भी डायरेक्टर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था, और ना ही उन्हें कोई अपनी पिक्चर में लेना चाहता था। 2012 में फिर जब उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो उनकी को-स्टार सयाली भगत ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। इन आरोपों के चलते ये सितारा फिर बॉलीवुड में चमक पाएगा, इसके चांसेस कम ही लगते हैं। अभी शाइनी आहूजा के पास कोई काम नहीं है, और वो फिर से बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए काम कर रहे हैं। एके हंगल शोले में अपने डायलॉग इतना सन्नाटा क्यों है भाई वाले एके हंगल को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा। फिल्म जगत में उनका योगदान सराहनीय रहा, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा था। शोले और बावर्ची उनके करियर की बेहतरीन फिल्में थी। उनकी मृत्यु 95 साल की उम्र में हुई, लेकिन अपने आखिरी दिनों में बीमारी से जूझते हुए उनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। उनके बेटे के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका इलाज करा सके। एके हंगल के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत खुददार थे। वो कहते थे कि जो मदद करना चाहे वो करे, लेकिन वो किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। विवेक ओबेरॉय, विवेक ने करियर के शुरुआती दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में की। विवेक ने साल 2002 में फिल्म कंपनी से डेब्यू किया। ये फिल्म रामगोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी थी। फिर उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। विवेक ओबेरॉय का फिल्मी करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका उनके करियर पर सीधा असर पड़ा। विवेक ने एक होटल के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और खुलासा किया कि उन्हें सलमान की तरफ से जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। और मैंने फोन उठाया, मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। और इस कॉन्फ्रेंस ने भला करने के बजाय विवेक का सब कुछ ही छीन लिया। और सबसे बड़ी बात थी कि जिसके लिए विवेक ने इतना बड़ा कदम उठाया, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। ऐश्वर्या ने बाद में ये साफ कर दिया था कि इन सबसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है, और उन्होंने विवेक से दूरी बना ली। ऐश के साथ साथ विवेक के हाथों से कई फिल्मों के ऑफर भी निकल गए। इंडस्ट्री में सलमान खान एक बड़े स्टार थे, जबकि विवेक ने अपना करियर शुरू ही किया था। सलमान से पंगे की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कोई भी अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था, और धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। कुछ समय पहले उनके पिता ने मोदी नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसमें विवेक ओबेरॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल निभाया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई और विवेक वापस बॉलीवुड में कदम जमाने में असफल रहे। भाग्यश्री फिल्म मैंने प्यार किया को भला कौन भूल सकता है। आज भी लोग प्रेम सुमन की लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। ये वह दौर था जब बॉलीवुड में दोस्ती और प्यार वाली फिल्में बनना शुरू ही हुई थी। इसी समय एक हीरोइन ने भी इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसकी प्यारी बोली मुस्कान ने सबको अपना दीवाना बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाग्यश्री की। भाग्यश्री फिल्म मैंने प्यार किया से रातों रात स्टार बन गई थी। उस वक्त भाग्यश्री की उम्र 18 साल थी। बता दें कि इस फिल्म के लिए भाग्यश्री को 1,00,000 रुपए फीस मिली थी, जबकि सलमान खान को सिर्फ 30,000 रुपए दिए गए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन करियर के शुरुआत में ही उन्होंने अपने बचपन के दोस्त एक्टर प्रोड्यूसर हिमालय दासानी से शादी कर ली। शादी के बाद भी उन्हें फिल्मों के कई ऑफर आए, लेकिन उन्होंने ये कहकर फिल्में ठुकरा दी कि वो अब उन्हीं फिल्मों में काम करेगी जिसमें उनके पति एक्टर होंगे। उनकी यही शर्त निर्माता निर्देशकों को रास नहीं आई, और भाग्यश्री का करियर वहीं ठप हो गया। हालांकि शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ 3 फिल्में की, लेकिन ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। भाग्यश्री की इस जिद ने उनके करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। इस बीच भाग्यश्री ने कई भोजपुरी, मराठी और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। हालांकि इन फिल्मों से उन्हें वह शोहरत फिर कभी नहीं मिली जो उन्होंने मैंने प्यार किया से हासिल की थी। मोनिका बेदी। दोस्तों, मोनिका बेदी एक जमाने में मशहूर अभिनेत्री रही हैं, लेकिन उनकी गलती बस इतनी थी कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से प्यार कर बैठी, जिसके बाद उनका करियर मानो खत्म हो गया। मोनिका बेदी को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के साथ पुर्तगाल में पुलिस ने पकड़ लिया था, जब उनको जेल भी हुई। जेल से निकलने के बाद मोनिका ने फिर से बॉलीवुड में कदम रखा।
लेकिन उसे काम नहीं मिला। फिलहाल मोनिका बेदी टीवी पर काम करती हैं। इसीलिए दोस्तों याद रखें कि फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है। कभी खुद पे घमंड होने लगे तो अपने ऊपर देखना, नीचे नहीं। इसी संदेश के साथ खत्म करता हूँ आज की ये वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल हमें इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।